हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन यह चाहत हर किसी की पूरी नहीं होती। इंसान की अधिकतम जीवित रहने की संभावना मात्र 150 साल है, लेकिन इस मॉडर्न जमाने में यह घटकर 100 से 110 साल तक हो गई है। हालांकि अभी भी कई लोग हैं जो 100 साल से ऊपर के हो चुके हैं। यह तो रही बात इंसानों की, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं जो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले सारे जीव पानी में यानी समुंदर में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे जीवों के बारे में जानने वाले हैं जिनका अगर शिकार ना किया जाए तो यह करीब 200 से 15,000 साल तक जीवित रह सकते हैं। शायद यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन यह सच है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। नंबर 10, बोहेड व्हेल्स। बोहेड व्हेल ज़्यादातर आर्कटिक समुंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनकी लंबाई करीब 50 से 60 फीट तक होती है। अगर इनके वजन की बात करें तो यह करीब 55,000 किलोग्राम या उससे ज़्यादा की होती हैं। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अगर इन व्हेल्स की प्रजाति का शिकार ना किया जाए तो ये आराम से 200 सालों तक जिंदा रह सकती हैं। बोहेड व्हेल की सबसे खास बात यह है कि इनके भीतर एक खास तरह का जीन होता है जिसे ERCC1 के नाम से जाना जाता है। ये जीन शरीर के खराब हुए DNA को सुधारने में मदद करता है, जिसके चलते बोहेड व्हेल्स को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती। इनके अंदर एक दूसरा जीन भी होता है जिसे PCNA के नाम से जाना जाता है। इस जीन का काम होता है पुरानी और ख़राब कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाना और ख़राब हो चुके अंगों को रिपेयर करना। नंबर 9, रफ आई रॉकफिश। रफ आई रॉकफिश सबसे ज़्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती हैं। गुलाबी और भूरे रंग की यह मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती हैं। इस मछली की लंबाई 38 इंच तक हो सकती है। यह मछली अपने से छोटी मछलियों को खाकर अपना जीवन बिताती है। इस मछली की प्रजाति का शिकार सबसे ज़्यादा होता है। शिकार के कारण इस मछली के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ गया है, इसलिए इसे बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम भी चलाई जाती है। नंबर 8, फ्रेश वाटर पर्ल मसेल। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। यह आमतौर पर नदियों और ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजाति को यूरोप, अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मसेल 280 साल का है। यह इतने लंबे समय तक इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। इंसानी लालच और लापरवाही की वजह से आज इन जीवों की प्रजाति खतरे में है। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल की अनेक प्रजातियां होती हैं। कई लोग इन्हें मोती पाने के लिए तो कई लोग इन्हें खाने के लिए पकड़ते हैं। साथ ही इनके रहने का जगह भी बिगड़ रहा है, क्योंकि नदियों के साथ हम क्या कर रहे हैं यह हम सबको पता है। नंबर 7, ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क अंटार्कटिका और उत्तर अटलांटिक महासागर में काफ़ी ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीब 24 फीट तक हो सकती है। यह कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। साइंस जनरल में 2016 में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज़्यादा जीने वाले ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह 512 साल तक भी जी सकते हैं। इनकी अधिकतम उम्र को लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफ़ी बहस होती रहती है, लेकिन इनकी औसत उम्र 272 साल है, इस बात को सारे वैज्ञानिक मानते हैं। नंबर 6, ट्यूब वर्म। ट्यूब वर्म गहरे समुंदर में बेहद ठंडे इलाके में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि इनके कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो 300 साल से ज़्यादा जिंदा रहती हैं। ट्यूब वर्म को जान का खतरा सबसे कम होता है, क्योंकि इनका कोई प्राकृतिक दुश्मन या शिकारी नहीं होता, इसलिए यह इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। नंबर 5, ओशन कुआहोग क्लैम। ओशन कुआहोग क्लैम को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने जैसे अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशन कुआहोग क्लैम मिला था,
जिसकी उम्र 507 साल थी। उसका नाम मिंग रखा गया था। नंबर 4, ब्लैक कोरल। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो आप इन्हें समुंदर में पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी देख सकते हैं। असल में इन लहराते हुए कोरल को पॉलिप्स कहा जाता है। कोरल अपने जैसे जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिकल सीक्वेंस में मिलकर जुड़ते हैं तो वह कोरल बना लेते हैं। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल तक जीते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले कोरल हैं। हवाई के तट पर एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र 4265 साल बताई गई थी। नंबर 3, ग्लास स्पंज। ग्लास स्पंज आमतौर पर कई जीवों की एक कलोनी होती है। यह हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। ग्लास स्पंज धरती का सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला स्पंज में से एक है। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यह समुंदर में काफ़ी गहराई और कम गहराई में रहते हैं। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है समुंदर में इससे ज़्यादा सालों तक जिंदा रहने वाले स्पंज भी मौजूद हों। नंबर 2, टूरिटॉप्सिस डहरनी। टूरिटॉप्सिस डहरनी को अमर जेलीफिश कहा जाता है। यह लार्वा की तरह जीवन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद यह समुद्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं और पॉलिप्स बनाने लगते हैं। इसके बाद यह पॉलिप्स मेडुसास जेलीफिश को आज़ाद करते हैं ताकि वह समुंदर में तैरना शुरू कर सके। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक यंग टूरिटॉप्सिस डहरनी वापस पॉलिप्स बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर खाना नहीं मिलता तो वह वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाते हैं। यह आमतौर पर भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। यह अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकते हैं, इसी कारण इन्हें अमर भी कहा जाता है। इनका आकार 5 मिलीमीटर का होता है। अगर इन्हें मछलियाँ ना खाएँ तो यह कभी नहीं मरेंगे। नंबर 1, हाइड्रा। हाइड्रा बेहद छोटे जीव होते हैं जिनका शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो यह जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभवतः अमर ही होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। यह अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ शारीरिक बीमारी का नुकसान भी छुपाते हैं। यह आमतौर पर स्टेम सेल से मिलकर बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या यूं कहें कि यह अपने आप को क्लोन करते रहते हैं। अगर इनका शिकार ना हो और इन्हें बीमारी ना लगे तो यह अमर हो सकते हैं। यह थे 10 ऐसे समुद्री जीव जो कि सबसे ज़्यादा जीवन जीते हैं, लेकिन अमर कोई नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, चाहे वह मनुष्य हो, जीव हो या खुद ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। इन सारी चीज़ों को एक ना एक दिन ख़त्म होना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। धन्यवाद।